गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो क्या हाल चाल है सभी के? सुमेर शान ब्लॉग। तो अभी हम बारिश में जा रहे हैं दूध धनिया और पुदीना लेने जा रहे हैं हम पुदीना। और बारिश भी जोरों शोरों से पड़ रही है और हमारे जहाँ पे हम बेसिकली जहाँ रहते हैं वहाँ पे तो बर्फ़ पड़ रही है। और यहाँ से मेरा बच्चा आते हैं उंगली दिखाते हुए। तो फिर अभी गाड़ी से छाता निकालेंगे उसके बाद मिलेंगे आपसे, है कि नहीं? चलो फिर मिलते हैं अब गाड़ी के पास। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज हम ले नहीं पाए जिसको लेने के लिए हमें जाना है सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई डीजी साइड डीजी जुल्मी तेरी चाल जुल्मी मेरी चाल तेरे कदमों के नीचे आ गई। साले मुझे गाली ब्रो सात समुंदर क्यों तभी वो तूफान आता है। फिर मनु भाई वो ऐसे डांस करता है तगड़ा स्टेप लगता है मुझे। बाबे यार बाबे सीन हो गया बाबे। धनिया पे पीछे था हम आगे कहाँ जा रहे आंटी से हम ला लेंगे खाना भी बट हमने टिफिन लाया नहीं। आंटी बोली वहीं से ले लो। चलो कर अपने हिसाब से बात। अभी जाते हैं आंटी से टिफिन लाते हैं मिलते हैं आपको बाद में। भैया 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 ये कहाँ है? ये कहाँ है दुकान वाला भैया धनिया वाले भैया? भैया के पास होना भी चाहिए धनिया। मुझे तो देखना है यहाँ से तो दिख रहा है मुझे शायद है नहीं है। हाँ भैया धनिया मुझे नजर नहीं आई धनिया भैया ये कहाँ है? ये इनको बोल ये कहाँ धनिया धनिया नहीं है ये है किधर रेडी वाले नहीं है गया वापस। चलो वापस क्या करें धनिया मिला नहीं हमें मिली मेरा धनिया जो सबसे इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट चीज़ ही नहीं मिल रही हमें धनिया। ठंड है खिड़की बंद करो फिर यहाँ पर। और ये भी है ना क्या शॉप का है इधर सब्जी की पता नहीं दिख तो नहीं रही है मुझे। नो ब्रो मतलब कि हमें मंडी जाना पड़ेगा हमें मंडी जाना पड़ेगा। मंडी रे यार मंडी वाले मगर हमारे फैन हो गए यार रेलगाड़ी के फैन हो गए मंडी में। वो आपको हम दिखाएंगे चलता है सिस्टम मंडी में। अगर तुम बोलोगे ना कि रेलगाड़ी के मेंबर है एक डब्बे हम रेलगाड़ी के 20% डिस्काउंट देंगे। फिर अगर नाम लोगे मेरा कि आकर्षित सेन साहब फिर आपको 60% का डिस्काउंट मिलेगा। मेरी बात याद रखना बोला रेलगाड़ी वाले को जानते हो बस उन उसी टीम के मेंबर हैं बस ये बोल देना हमने जब ताजा मंडी से लाने तू बंदा क्या यार बोल चल पुगते हैं। पुगेंगे क्या दो जने पुगेंगे हम रॉक पेपर सीजर खेलेंगे। चल चल रॉक पेपर सीजर एक काम करना बाहर चलना वहीं पे तो है ये यार दोनों को नहीं जाना पड़ेगा ऐसे ही था पहले ही थोड़ी गैम्बलिंग भी चलती है। गैम्बलिंग तो गाले नहीं निकलेंगे तो क्या निकलेंगी आप ही बोलो ना गैम्बलिंग। गया फोन 1 2 3 बोला था ना गया फोन 1 2 3 बलागर्स यार गरीब बलागर्स ब्रो बोला था 1 2 3 मैं पुदीना लेता भैया साइड चल यार मुझे पुदीना लेना है। पुदीना नहीं है धनिया धनिया बोले घर वालों ने पुदीना धनिया वही देखना पड़ेगा धनिया धनिया
ये है किसमें टैलेंट? बीस का कितना है? ओ भाई बिहार, और बताओ, हमें अब पता चल रहा है कि हमारे व्लॉग बहुत ही बकवास बकवास बन रहे हैं बिकॉज क्योंकि हमें पता ही नहीं करना क्या होता है। हमारे व्लॉग में सिर्फ गालियाँ होती हैं, घर वाले देख लेते हैं, बेइज्जती पड़ती है। अब सोचता है ना बंदा कि यार अगर हमारे सीनियर जो सीनियर सिटीजन हैं अगर वो देखेंगे, हमारे गाँव के जो बड़े बड़े हैं वो देखेंगे, वो बोलेंगे कि वाह वाह। बट क्या करें यार, ऐसे मतलब पता क्या सीन होता है यार, होता तो सब कुछ ठीक है लेकिन अब होता ना कि अगर मैं बोलूँगा कि जैसे कि चूतिया नॉर्मल है आजकल, चूतिया लड़कियाँ भी गालियाँ काटती हैं, लड़कियाँ भी गालियाँ काटती हैं, चूतिया चूतिया ठीक है, चूतिया हैं। हम वापस आ चुके हैं दुनिया लेके, लेट अस गो चलो जी चलते हैं। अब जो भी गाड़ी चलाता है भाई पहले अगले वाले दो सीट बेल्ट लगा दिया करो, सेफ्टी फर्स्ट। अभी तो रुको आंटी, अभी जब मैं बाइक पे होंगे ना तब पूछना कि हेलमेट का है, पूछना आप जरा इसको। हाँ कोई नहीं जब भी बाइक का आएगा ना तो पूछना हेलमेट का है। हाँ तो इनको क्या पता लगेगा कि मैं ब्लॉग ही कर रहा हूँ हेलमेट के ऊपर, तो वो मैं दिखाऊंगा ना। हाँ तो दिखाना ना। तो भैया रुक जाओ, हमने उस साइड जाना है। ये ऐसा इसलिए करिए क्योंकि इसकी और मैं गाली काटने वाला था लेकिन मैंने कंट्रोल किया किया सेल्टोस, मैं भी यही बोलने वाला था। रास्ते एकदम ठीक है लेकिन थोड़ा बहुत ये है ना कि जम्मू में मतलब जैसे बारिश है कोई इशू नहीं होता, फॉग धुंध जब पड़ती ना उसका बहुत इशू। लास्ट 2020 मेरा भी उसी वजह से एक्सीडेंट हुआ था, बहुत ही दुखद घटना थी वो। कोई बात नहीं, बच्चा पता रहता है धुंध इसलिए हमेशा आता। चलो जैसे देखा कि धुंध आगे विजिबिलिटी टूटी है जीरो है तो अपने इंडिकेटर ऑन कर दो, पहली बात तो घर से बाहर ही नहीं निकलो। हाँ। अगर निकल भी रहे हो तो फुल सेफ्टी के साथ निकलो, सीट बेल्ट लगा के, गाड़ी में एयरबैग होने चाहिए और आराम से चलो। हाँ। से दोनों इंडिकेटर ऑन रखो, लाइट सब कुछ ऑन करके चला करो, क्योंकि सेफ्टी सबसे पहले सेफ्टी बेस्ट है यार। हाँ। और नाइट में खास कर बाकी अगर आपको कुछ भी दवाई शवाई लेनी होगी यहाँ पर भवानी मेडिकल से, यहाँ से आप ले सकते हो, यहाँ पर आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर बोलो तो जानते हैं मुझे बोलते हैं लंबे बालों वाला या बोलना है बलागर, सीरियसली सच बोल रहा हूँ, अगर किसी को दवाई वगैरह चाहिए होगी बोल देना यहाँ पर आप, मतलब अपना फ्रेंड सर्कल है हमारा, उन्होंने बोला था कि ब्लॉग में बता देना ऐसे ऐसे, तो फिर आप कर दियो, आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा हर दवाई पर, लिमसी पर भी। हाँ और जो मेरे यार दोस्त हैं ट्रम वाले उनको भी बात निकल गई। ये सारी चीज़ें फास्ट फॉरवर्ड हो जाएंगी, बातें तो अच्छी की हमने, कुछ चूतिया बात तो की नहीं है। देख हाँ तो चूतिया इज नॉर्मल, हम इतना तो बोल ही सकते हैं यार, इतना हक है हमारा, इतना हक है फंडामेंटल राइट ब्रो। हम बोल सकते हैं, गालियाँ बक सकते हैं, प्राइवेसी में, पर वीडियो हम वीडियो में ये लगा देंगे ना आज के बाद क्या एज रिस्ट्रिक्शन। यस अगर किसी को फिर भी खुड़क होगी तो देख ले फिर, तुम्हें क्या देख जा रहा हूँ। एज रिस्ट्रिक्शन तो हम लगा देते हैं ऐसे भी, नॉट मेड फॉर किड्स, ओनली फॉर लेजेंड्स। और लेजेंड से ज़्यादा लेजेंड्स फास्ट फूड किस और में भी है। मुझे पता लग जाता है कब फोन करने वाला है तो कब नहीं, मतलब तो अपने आप को अंतर्यामी समझ रहा है। अंतर्यामी नहीं है वैसा, पता ही नहीं है तो अपने आप को क्या समझ रहा है ये चीज़ बोल के। देख तभी मैंने बोला था ना मुझे पता लग जाता है, ठीक है भाई उठाओ उसको, अब उठाओ क्या तोड़ दिया होगा भाई तुमने। चलो सुबह सुबह दर्शन कर लो पहले, चलो फिर चलते हैं। प्रवेश करने वाले हैं अब, ये छाता अटके जा रहे, आगे यार आगे हम कोई स्वागत तो करो हमारा। हम घर में पहुंच चुके हैं, लाइट की वजह से आपको पता लग गया होगा। चलो हम आज आपको दिखाएंगे हम आज क्या बना रहे हैं खाने के लिए। खाने के लिए क्या बनाएंगे आज? छाता फोल्ड करके लटका के रखते हैं, जा रहे हैं टिफिन शिफिन लेके आंटी के पास टिफिन लाने। तो हमने सोचा कि इस ब्लॉग को भी हम ऐसे ही चलते चलते एंड कर देते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो गई है, तो ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए इस ब्लॉग को तो हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। चलो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बाय।